प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रा ध्यान दें, सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है, शंकु का आयतन 66 घन सेंटीमीटर हो, 66 घन सेंटीमीटर हो। ज़रा ध्यान दीजिए, 66 घन सेंटीमीटर यहाँ पर कहा है। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। आगे देखिए, तो R बराबर 3 सेंटीमीटर, R का मतलब यहाँ त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या? ये आपके शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। H आपको ज्ञात करना है। देखिए अपने आंसर या सलूशन में सूत्र क्या है आपका, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा आप ध्यान दें, अब जरा आप ध्यान दें, आपका आयतन हमने लगा दिया 1/3 गुणा 22/7, यहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, गुणा आर का मान क्या है आपका 3, तो 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 3 × 3 गुणा एच, एच का मान आपको निकालना है। आगे देखिए, 3 से 3 आपका कट जाएगा, 22 × 66 आपका पूरा कट जाएगा, तो एच बराबर क्या मिल जाएगा आपको 7। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। तो H बराबर सॉल्यूशन करने पर या हल करने पर क्या मिल गया आपको 7 मिल गया। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि 7 सेंटीमीटर आया, तो आपका सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर कहाँ से आया, ज़रा देखिए। अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो आप अपने आंसर में जो भी आंसर आए सेंटीमीटर लिखें, अगर आपके मीटर दे रखा है तो आप अपने आंसर या सॉल्यूशन में मीटर लिखें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।